बहुत स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इसकी क्या फीस रहेगी, पूरा डिटेल समझाने वाला हूँ। ध्यान से आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये यूनिवर्सिटी हमारी भोपाल के मध्य प्रदेश के अंदर है, तो पूरा डिटेल से बताऊँ अब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस कोर्स की बात करेंगे, यहाँ पर हम सर्टिफिकेट, जो लोग यहाँ से सर्टिफिकेशन का कोर्स करना चाहते थे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो टोटल 6 महीने की फ़ीस ले जाएगी, क्योंकि आपका ये सर्टिफिकेट का कोर्स 6 महीने का होने वाला है, यानी कि 6 महीने की जो फीस रहेगी वो यहाँ पर 3,612 रुपये रहेगी। यानी कि आपका 6 महीने के अंदर 3,612 रुपये पे करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पर 2 स्ट्रीम मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग यहाँ से MBA करना चाहते हैं, अदरवाइज MBA कर सकते हैं। MBA की यहाँ पर जो फीस रखी है वो 16,860 रुपये रखी गई है, यानी कि आपका ये 3 साल का MBA का कोर्स रहने वाला है। तो यहाँ पर ईयर आपको 16,860 रुपये पे करना पड़ेगा इसी तरीके से, और आपको यहाँ पर 2 स्ट्रीम मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे मटेरियल्स मैनेजमेंट और जर्नल, आपको यहाँ पर 2 स्ट्रीम मिल जाते हैं, MBA कर सकते हैं आप। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग यहाँ से BA करने की सोच रहे थे, BA करना चाहिए आपको, BA यहाँ पर 3 साल की होने वाली है, और पर ईयर जो चार्ज रहेगा फर्स्ट ईयर का यहाँ पर 2,650 रुपये, वही सेम चार्ज आपका सेकेंड एंड थर्ड में रहेगा। तो आपको यहाँ पर 9 स्ट्रीम मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग करना चाहते हैं BA तो यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग BSc करना चाहते हैं, अदरवाइज BSc कर सकते हैं। BSc की यहाँ पर जो चार्ज रखा गया वो 3,115 रुपये रखा गया, यानी कि पर ईयर आपको 3,115 रुपये देना पड़ेगा, और आपका ये कोर्स 3 साल का होने वाला है। जैसे कि आपको पता है ये कोर्स आपका 3 साल का रहेगा, और यहाँ पर आपको 3 स्ट्रीम मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स BSc के अंदर मिल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो यहाँ से BEd करना चाहते हैं, अदरवाइज BEd कर सकते हैं। BEd की यहाँ पर जो टाइम रखा गया वो यहाँ पर 2 साल का रखा गया, यानी कि BEd आपका 2 साल का रहेगा, और यहाँ पर ईयर 36,000 रुपये चार्ज रहेगा, यानी फर्स्ट ईयर में भी आपका इसी तरीके, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 2 ईयर का टोटली चार्ज रहेगा 36,000 रुपये। यहाँ पर दिख रखा आपको साइड में दिख रहा होगा, टोटली फीस 36,000 रुपये BEd में 2 साल की पे करनी पड़ेगी। BCom, अगर आप बैचलर ऑफ कॉमर्स करना चाहते हैं, तो आपको पर ईयर 2,880 रुपये पे करना पड़ेगा, और ये 3 साल का कोर्स रहेगा, यानी कि पर ईयर आपको 2,880 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग BCom करना चाहते हैं तो BCom कर सकते हैं। जो लोग BBA करना चाहते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस, तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईयर लगभग 9,960 रुपये चार्ज रहेगा। तो ये कोर्स आपका BBA 3 साल का होने वाला है, तो बहुत ही BBA बेनिफिट होता है कि इसमें आपको 3 लाइन मिलती हैं, तो आप BBA कर सकते हैं। 9,960 रुपये पर ईयर चार्ज रहेगा आपका। जो लोग MA यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं। तो इसका जो फीस रखा गया वो 6,900 रुपये रखा गया, यानी कि पर ईयर आपको 6,900 रुपये चार्ज रहेगा फर्स्ट एंड सेकंड में, और आपको यहाँ पे 5 स्ट्रीम मिल जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग यहाँ से MSc करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ साइंस MSc कर सकते हैं। MSc की यहाँ पर जो चार्ज रखी गई है, ये कोर्स आपका 2 साल का होगा, जैसे कि 2 साल के अंदर पर ईयर जो चार्ज रहेगा 10,260 रुपये। इसी तरीके से आपको पर ईयर 10,260 रुपये पे करना पड़ेगा फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में। तो ये कोर्स आपका यहाँ पर इस कोर्स के अंदर MSc के अंदर आपको 5 स्ट्रीम मिल जाते हैं। सबसे मेन है केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आपको कई और भी मिल जाते हैं। अदरवाइज आपको अगर MSc करनी है तो आप यहाँ से MSc कर सकते हैं। जो लोग MSW करना चाहते हैं, यानी मास्टर ऑफ सोशल वर्क, तो ये कोर्स कर सकते हैं आप। यहाँ पर 11,820 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा, लगभग फर्स्ट ईयर का जो चार्ज रहेगा, यानी फर्स्ट ईयर में आपको 11,820 रुपये पे करना पड़ेगा, और सेकेंड ईयर में भी 11,820 रुपये। तो आप MSW यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क करना चाहते हैं, ये कोर्स तो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का जो चार्ज रखा गया वो यहाँ पर 1 साल का कोर्स रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, और 13,500 रुपये चार्ज रहेगा, यानी 1 साल के अंदर आपको 13,500 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, और यही टोटली फीस है, क्योंकि आपका एक साल का ही कोर्स है। और यहाँ पर आपको 10 स्ट्रीम मिल जाते हैं। सबसे मेन है यहाँ पर ट्रैवल एंड होटल मैनेजमेंट, अगर आप लोग ये कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अगर आप लोग डिप्लोमा करने की सोच रहे हैं तो डिप्लोमा आपको करना चाहिए। डिप्लोमा यहाँ पर आपको 1 साल का होने वाला है, जैसे यहाँ पर 1 साल का कोर्स रहेगा तो 1 साल का डिप्लोमा हो जाएगा 19,200 रुपये में, और आपको यहाँ पर 4 स्ट्रीम मिल जाते हैं, यानी कि 4 स्ट्रीम में आपको मिल जाते हैं सब। बिजनेस का भी इसमें मिल जाता है लगभग आपको डिप्लोमा के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग यहाँ से PGDM यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं। तो 1 साल का कोर्स रहेगा, और ये डिप्लोमा आपका 11,940 रुपये में डिस्टेंस हो जाएगा। अगर आप लोग ये जो कोर्स है मैंने आपको बताया, ये सभी डिस्टेंस से थे। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपको कैंपस के से भी बताया था, तो ये आपका कैंपस से होगा BSc, यानी कि आपको खुद जाना पड़ेगा, और ये भी आपका
बीए ऑफ कैंपस यानी कि कैंपस बंद रहेगा उस टाइम पे, आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं डिस्टेंस से भी रेगुलर से भी। तो ये सभी कोर्स आप डिस्टेंस से भी रेगुलर से भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बताइए वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि इस तरीके की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर कोई भी इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, तो मैं आपको पूरा गाइडलाइंस कर दूँगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।